ओम शांति। जीवन रे सफलता पाई परिश्रम आवश्यक अच्छी। जदि केही आमको प्रोत्साहित करे बिना परिश्रम रे सहजरे आमे कौनसी सफलता पाइबाकु जाउछे तेबे से कथार सत्यासत्य बुझिबा दरकार। तापरे आमे पदक्षेप नबा दरकार। हेई पारे ये जो अल्प के बहुत पाइबार आशा आमको हानिकारक स्थिति रे पहुँचे दे पारे। से संबंधर आज कहानी टी शुणा। गोटे बड़ पोखरी टे थिला। से पोखरी रे बहुत प्राणी रहुथिले। सेठी कईच कंकड़ा बहुत माछ आउ पक्षी माने भी थिले। बतक सारस आउ बग भी थाए। गोटे बग थाए से पोखरी पाखरे बड़ अलसुआ। से भावुता केते समय जाए गोटे गोड़े ठिया हाबाक पड़िबो। एते परिश्रम किए करिबो जे सहजरे किछि खाइबा मिली जाता भला। एते परिश्रम करके किए खाइबो एमते भावुताए। गोटे उपाय ता बुद्धि को जुटिला। सीए से पोखरी कूल ठिया होकर दिने कांदिबाक लगला। आखिरु झर झर लुह। गोटे कईच ता पाख को आसिक कहला मौसा कौन है कि आज कौन शिकार करबनी कि एमती कहीं ठिया है चो? तो से बग धके धके कांदिकी कहवाक लगला केते आ मारि मत आहार प्राण नवाक इच्छा ना। एबे मते ए जीवन रे भल काम करबा को इच्छा अछि। मु समस्तंकर कल्याण करबा को चाहूछि। आउ मु काहार प्राण नेकरी मो जीवन रखिबा संभव न। सेठु से कोइच पचारला अरे जदि शिकार न करिवो माछ खाइबनी तबे बंचिबो केमती। से सेठु पूणी आउ गोटे धक्क देकरी कहिला अरे ए जीवन आउ बेसी समय रे नुह। एबे लगातार 12 वर्ष मरुड़ी हबक अछि। ये सब तो सुखी जीव एथिरे कौन लाभ हब। एक कथा मते जने त्रिकालदर्शी महात्मा कहिचंती जहांकर भविष्यवाणी केबे अन्यथा हुएनी। एक कथा सुनिकरी कोइच गला अच्छा तेबे कौन करा जीव। टिके विचार करके बग कहला गोटे कथा करा जाय पारे। चिंता करबा किछ करा जाय पारे। ए कोइच ए कथा जाय कि से पोखरी रे बसवास करथुआ सब जीवजंतु को खबर देला। जानचो से बग मौसा से पूरा पूरी धर्मात्मा हि जाय चंती। से निज जीवन को बलिदान दबा को बस चंती। माछ खाऊ नाहंती आउ से ए कथा भी कहिले कि मरुड़ी पड़िबा को अछि। एक कथा सुनिकिरी सबु जीवजंतु मैंने आसिक हाजर बग पाखरे कहले अच्छा तमे महात्मा हो गल तेबे कौनसी गोटे उपाय बताओ। आमे सुनिलु कि मरुड़ी पड़िबो तो आमे मैंने केमती बंचू। सेठु बग कहला गोटे उपाय अच्छी। टिके दूर रे गोटे छोट जलाशय अच्छी जोठु कि पहाड़र सब झरणा आसिक सेठी पड़े। से पानी केबे सुखिबनी सेठी रहिले चलिबो। एबे कथा पड़ला एई जो पोखरी रे बसवास करतुबा प्राणी से माने सेते दूर जिबे केमती। सेठु बग कहला मु नै जिबे मो पिठी रे बसैकिरी मु समस्त को गोटी गोटी करी नै जाई परिबे। समस्त को एक कथा भल लागिला। जा हो शुभाकांक्षी धर्मात्मा बगर उपकार पाई समस्ते जय जयकार कले। तापरे प्रत्येक दिन बग गोटे गोटे प्राणी से पोखरी रु नेकरी केबे माछ तो केबे कईच तो केबे कंकड़ा नेकरी से पोखरी रु जीवा को लागिला। किछि बाट उड़ला परे गोटे पत्थर रे से प्राणी को पकेकरी भलकरी खाउथला। एमती धीरे धीरे बगर रूपरे परिवर्तन। से मोटा सोटा हबाक लगला।
ତାକୁ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ଡେଣାରେ ଯେମିତି ଚମକ ଆସିଗଲା, ଗାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭାବିଲେ ଦେଖ ଧର୍ମ କାମ କଲେ କେମିତି ତାର ଚେହେରାରେ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୋଖରୀରେ। ସେଠୁ ଦିନେ କଇଁଚ କହିଲା, ମଉସା ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛ, ମୋତେ କେବେ ନେବ? ବଗ କହିଲା, ଆଜି ତୁ ଚାଲ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କଇଁଚ ଦେଖିଲା ଏଠି କେତେ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ବି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଇଁଚ ପଚାରିଲା, ମଉସା ଏଇଠି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି? ସେ ଟିକେ ଭାବିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାପରେ ପଚାରିଲା ସେ ଜଳାଶୟ ଆଉ କେତେ ଦୂର? ସେ କହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଦୂର, କହିକି ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇଲା ଆଉ ସେ କଇଁଚକୁ ପକାଇଦେଲା। କହିଲା, ହସିଲା ଠୋ ଠୋ କରି, କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ କି ତତେ ମୁଁ ନେଇକି ସେ ଜଳାଶୟରେ ଛାଡ଼ିବି? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି ଏଇଠି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଉଛି, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଦିନେ ଦିନେ ତ ଦୁଇ ଥର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀ ଆଣିକି ଏଇଠି ସେ ଖାଇପକାଏ। ଏଥର କଇଁଚ ଭାବିଲା, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସିଂହରଣ ଖେଳିଗଲା, ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହିମ୍ମତ ରଖିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଶୁଣିକିରି ତାର ଖୋଳପା ଭିତରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତା ପଞ୍ଝାରେ ଚାପି ଧରିଲା ବେକକୁ ବଗର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗର ପ୍ରାଣ ନଯାଇଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକିରି ସବୁ ଖବର ସେ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଜାଣିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପକାର ପାଇଯିବା ଏ କଥା ବି ସହଜ ନୁହଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭଲ ଚାହୁଁଛେ ତେବେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ସର୍ଟକଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ରଙ୍ଗ କଟ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।